14.1 में सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 अज्ञात बारंबारता। इधर, हाँ इधर ही बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ, लाओ बुक दो मुझे। चौदह पॉइंट एक में सवाल करने दिए थे आपको, किए थे क्या आप लोगों ने? आंसर आ गए थे? हाँ वो बता देंगे आपको, बाकी सवाल तो आपको आने लग गए। अब मैं सवाल नंबर 3 करवा रहा हूँ। देखो, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। दैनिक का मतलब डेली जो बच्चे खर्चा करते हैं उनको दर्शा रहा है। माध्य जेब खर्च कितने है? 18 रुपये। सवाल नंबर 3 14.1 में निकाल लो सारे बच्चे। निकाल लिया सभी ने? निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। दैनिक का मतलब डेली जो खर्चा करते हैं उसको दर्शा रहा है। माध्य जेब खर्च कितना है? 18 रुपये। यानी कि खर्च का जो माध्य कितना दिए? 18 रुपये। यह आपको माध्य दिए। लुप्त बारंबारता, लुप्त का मतलब होता है अज्ञात, जो हमें निकालनी है। बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो दैनिक बता दिया, यहाँ पर क्या दिया है? दैनिक बता, दैनिक जेब भत्ता किस में है? वो रुपयों में। इसको अपने क्या बोलेंगे? हाँ, ऊपर का नाम लिखना जरूरी नहीं है, वर्ग अंतराल। दूसरा है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जिसको अपने क्या बोलते हैं? हाँ, बारंबारता नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। तो वो दिए 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 है, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और बच्चों की संख्या 7, 23 से आगे 25, 7 है, 6 है, उसके बाद 9, F 5 और 4। पर्सन में दिया है, क्या दिया है? माध्य कितना है बताओ? अच्छा, ज्ञात क्या करना है?
एफ का मान, एफ का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो माध्य दे रखा है हमें, तो हम लगाएंगे माध्य का सूत्र, किसका सूत्र है, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र कौन सी विधि में, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा में सिग्मा है। सबसे पहला काम है सूत्र याद करना, पहला काम क्या है, सूत्र याद करना। अच्छा, फिर सूत्र से हमें यह मालूम होगा कि क्या क्या चीजें निकालनी है, जैसे यहां पर दिख रहा है एक्स, ठीक है, पहला काम है सूत्र लगाना। सूत्र से हमें यह मालूम होगा कि हमें निकालना क्या है, पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है हमें एक्स निकालना। एक्स कैसे निकालते हैं, इस वर्ग अंतराल में दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, ठीक है। 11 और 13 कितने हो गए, 24 हो गए। जोड़ते भी कैसे हैं, देखो इसमें से एक निकाल के इसको दे दो, तो यहाँ हो गए 12, यहाँ भी कितने हो गए 12 और 12, 24 का आधा कितना होता है 12, ठीक है। और वैसे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 11 और 13 के बीच में कितना होता है 12, ऐसे भी हम सोच सकते हैं, यहाँ तो सोच लेंगे, लेकिन कोई दूसरा सवाल आएगा तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे वो ऐसे हो जाए 10 से 20, तो 10 और 20 के बीच 11 भी है 12 भी है, तो वहाँ ही ठीक रहेगा कि आप इन दोनों को पहले जोड़ो, फिर क्या करो उसका आधा कर लो, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, एक्स बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं इसको, मध्यमान, ठीक है। तो ऐसे करेंगे अपने, इन दोनों को जोड़ेंगे आधा कर दो, कितना आया 12, ठीक है। इसको एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 13 और 15 के बीच 14, 15 और 17 के बीच 16, 17 19 के बीच और 19 21 के बीच 20, इनके बीच में 22 और इनके बीच में 24, या फिर कैसे करोगे, इसमें एक निकाल के इसको दिया 24 और 24 48, आधा कितना हो गया 24। अब देखो आगे, अब दोबारा पूछेंगे यहाँ पे क्या करना है, एक्स निकाल लिया, अब सूत्र क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर एफ का एक्स से क्या करना है, तो यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ कर देंगे एफ गुणा एक्स, एफ गुणा एक्स, तो ये लाइन तो एफ की है और ये लाइन एक्स की है, यहाँ कर देते हैं एफ गुणा एक्स, ठीक है। दोबारा लिख दिए यहाँ पर, आ गया समझ, मतलब किसका गुणा कर रहा हूँ यहाँ बताओ मैं, 12 का गुणा किससे करना है, मध्यमान से, किससे, तो 7 × 12। अब देखो गुणा करने में आपको दिक्कत आती है, तो आप ऐसे किया जैसे मैं करता हूँ अभी, या जैसे करो 12 × 7 = 84, आपको पहाड़े अच्छे से आने चाहिए, अगर पहाड़े याद नहीं, जैसे करो देखो 7 × 2 = 14, एक अंशिल, 7 × 1 = 7 और 1 = 8, ऐसे करो 6 × 24, कितनी अंशिल, 6 × 6 = 2 = 8, यानी 14 × 6 = 84, 9 × 6 = 9 = 54, 5 अंशिल हो गई, 9 × 9 = 5 = 14, जोड़ दो से कर दोगे ना, 13 करना है 18 से, कैसे करोगे देखो 13 × 8 = 104, अंशिल कितनी हो गई 10 अंशिल हो गई, 13 × 13 = 10 = 23, 20 × f, 20 से इसको ऐसे चक्कर लगा लेंगे, इसको वैसे स्टार लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ते समय अलग से जोड़ेंगे, ये संख्या 20 नहीं है, ये आपका है 20f, इस पर चक्कर क्यों लगाया, ताकि आपका ध्यान ये इस बात पर रहे कि इसको हमें अलग से जोड़ना है। 5 × 2 =
दस, एक अंशिल, पाँच इंटू दो दस और एक ग्यारह, चार इंटू चार सोलह, अंशिल कितनी, चार दुए आठ और एक नौ। अब दोबारा चलते हैं, इससे पूछते हैं अब क्या करना है। सबसे पहले इसने बताया एक्स निकालो, निकाल लिया हमने, फिर बोला इसने कि एफ से गुणा करो, वो भी हमने कर दिया। अब कह रहा है कि सिग्मा करो, सिग्मा का मतलब किसका जोड़ करें, एफ एक्स का, क्योंकि सिग्मा कहाँ लगा हुआ है, ये सिग्मा लगा हुआ है एफ एक्स के आगे, यानी ये आपका एफ एक्स है, इसका जोड़ करना है अपने को। तो जोड़ करते समय यहाँ जीरो लगा लेंगे पीछे, और यहाँ भी जीरो लगा लेंगे, यहाँ भी क्या लगा लेंगे, और यहाँ इसका जोड़ करेंगे अपने, सिग्मा एफ इंटू, तो छः जीरो छः, छः और चार दस, चार चौदह, चार अठारह और चार बाईस, असल कितनी, दो, दो आठ दस, आठ अठारह, चार बाईस, तीन पच्चीस और एक छब्बीस और नौ पैंतीस, कितनी अंशिल, तीन, तीन और एक चार, दो छः और एक सात, सात और जीरो सात, सात सौ बावन। और प्लस में और जोड़ना पड़ेगा, प्लस में जोड़ना पड़ेगा बीस एफ, ये बीस एफ ऐसे ही रहेगा, सात सौ बीस बावन में बीस को जोड़ना नहीं है, इसको ऐसे रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो है अचर संख्या और ये है चर संख्या। चर संख्या उसको बोलते हैं जिसमें संख्या के साथ ए बी सी डी का कोई लेटर, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, एफ आ जाए, एच आ जाए, ऐसा कोई अल्फ़ाबेट आएगा तो उसको बोलते हैं चर संख्या, वो जुड़ती नहीं है। आ गया समझ में, तो ये मान किसका आ गया, सिग्मा, तो इसकी जगह तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स की जगह आएगा 752 प्लस 20 एफ, नीचे सिग्मा एफ यानी एफ का जोड़, एफ का जोड़ सवालों में दिया होता है, वैसे इस सवाल में लिखा था ना, इसमें इसमें शायद लिखा होगा, नहीं लिखा, इसमें कई बार लिखा होता है जैसे कि घरों की संख्या 20 है तो वो जोड़ उनका ही होता है, इसमें लिखा नहीं, जोड़ लेते हैं इनमें, तो 7 और 6 13, 13 और 13 26 और 4 30, 5 35 और 9 44 और प्लस में इसको भूल मत जाना एफ, ये किसका जोड़ आ गया। अब हो सकता है कि आपके चक्कर पड़ जाए यहाँ पर एफ का, एफ में आप कंफ्यूज हो जाओ, तो एक काम करते हैं एफ की जगह मैं कोई नाम बदल देता हूँ इसका, ये लो के कर दिया, एक्स भी मत करना, के कर लेना, ठीक है, यहाँ भी क्या कर लें, के कर लेते हैं। पता है एफ का चक्कर क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एफ है तो आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ फॉर्मूले के अंदर भी एफ है तो आपके हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए आप क्या करेंगे उसकी जगह के लगा लेंगे, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। तो बताओ किसका जोड़ आ गया, ये एफ का जोड़ कहाँ लिखना है, नीचे 44 प्लस कितना एफ, अच्छा मध्य, हाँ 44 प्लस है, और यहाँ भी कितना कर लें, अच्छा मध्य बताओ कितना दे रखा है, तो माध्य की जगह माध्य का मान 18, बटा में कितना लगा देंगे, एक लगा देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, चले आगे, कुछ नहीं, जहाँ एफ था वहाँ के लगा दिया मैंने, क्योंकि ये एफ भी यहाँ पर भी है और सूत्र में भी एफ है, तो अपने कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए कौन सा एफ की बात हो रही है, तो एक नया लगा दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। हाँ अब देखो, अब गौर से सुनना, बराबर का निशान हो, किसका निशान, इधर संख्या ऊपर नीचे लिखी है, इधर भी क्या लिखी है, तो संख्या जो ऊपर नीचे लिखी हो और बीच में बराबर हो तो हमेशा करते हैं वज्र गुणा, कौन सा गुणा, तो यहाँ लिख देंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा, या इसको बोलते हैं तिरछा गुणा, तिरछा गुणा करने पर, ऐसे काटना नहीं है इसे,
ऐसे काटना नहीं है कि चार कम चार, चार पाँच बीस, कटता नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि संख्या बताओ किस में ऊपर है, प्लस में। आ गया समझ में? ऊपर नीचे किसी पहाड़ी से काटेंगे नहीं। ये आपके पास बैठे इसका नाम क्या है, क्या नाम आपका? इधर आपके पास वाले का स्टैंड अप। क्या नाम है? हाँ, पहले आप समझ लो, नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो। देखो अभी तो इसका गुणा करना है अपने को इससे, तो जब 18 गुणा करेंगे अपने तो गुणा किससे होगा पता है? दोनों से। इसका गुणा इन दोनों से होगा। पहले होगा 18 का गुणा किससे? तो इसमें 18 × 44, ठीक है। फिर प्लस 18 × k, 18 k, बीच में क्या लगाना है? एक साइड से गुणा हो गया, हो गया गुणा। हाँ, क्योंकि ये अलग अलग है, बीच में प्लस है। इसका गुणा इससे भी होगा, फिर प्लस लगाएंगे, इसका गुणा इससे भी होगा। अभी गुणा हुआ नहीं, गुणा मैंने लिखा है अभी एक बार, ठीक है। एक साइड से हो गया, फिर बराबर लगा देंगे। अब करना है 1 का गुणा किससे? इससे। तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। 1 का गुणा किसी से कर दो तो जो संख्या वही आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 752 प्लस 20 के। 18 × 44, 18 × 72 कितनी अंसिल? 18 × 72 और 7 × 87 प्लस। देखो मैं इसे देख देख के कर रहा हूँ, मैं इसको देख देख के कर रहा हूँ। आप क्या करते हो, ये बीच वाला प्लस लगाना ही भूल जाते हो। देख देख के करना है कहाँ प्लस है, कहाँ बराबर है, बराबर के नीचे बराबर लगाना है। इससे आपकी गलतियाँ कम से कम होगी। सुना आपने क्या कह रहा हूँ? बराबर के नीचे बराबर लगाना है और देखना है कि कहाँ प्लस है, प्लस माइनस को तो आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। यहाँ बताओ कितना है? 18 k और यहाँ कितना है? 752 प्लस 20 के। अब यहाँ पर अपने क्या करेंगे, दो प्रकार की संख्या है अपने पास, एक तो है संख्या और संख्या, और एक संख्या अपने पास के वाली। क्या लगा हुआ है? के लगा हुआ है। तो अब कर देंगे यहाँ पर हम सेपरेटिंग। सेपरेटिंग का मतलब जैसे हम क्लास में करते हैं ना, सफाई करते हैं तो कचरा एक साइड कर देते हैं, मेजे एक साइड कर दी, कुर्सी एक साइड कर दी। अब ये थोड़ी है कुर्सियाँ और मेजे एक साथ डाल दी, किताबें अलग करते हैं ना। सेपरेटिंग का मतलब जैसे बॉयज़ अलग बिठा दिए, गर्ल्स को अलग बिठा दिया, तो यहाँ सेपरेटिंग करनी है। सेपरेटिंग का मतलब है के वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे और बिना के वाली, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग करना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 20 के बड़ा आदमी है। अब बड़ा आदमी अपने घर पर ही रहेगा, ये क्या करेगा, इस छोटे आदमी को अपने पास बुलाएगा। 18 के किसका है? तो यहाँ पर ये इधर ले आते हैं, माइनस का 18 के। तो जब ये आदमी वहाँ चला गया तो यहाँ बच गया 792। इस आदमी को इधर बुला लो फिर 752 को। ये यहाँ पर तो किसका है? ये प्लस का, यहाँ कर माइनस का। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 7, में 7 गया 0, लिखना नहीं 0। यहाँ बताओ कितना बच गया? हाँ, 2 के। अब यहाँ भी बच्चे गड़बड़ करते हैं कि के में से के गया 0, 20 में 18 गया 2, ऐसा नहीं है। 20 के का मतलब है के यहाँ पर 20 बार है, ऐसे के 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 ऐसे कितनी बार है? 20 बार। और यहाँ कितनी बार है? तो के को 20 बार लिख कर ना, फिर 18 1 2 3 4 18 कट काट देना। कितने के बचेंगे? 2 के बचेंगे। आ गया समझ में? तो 40 में अब देखो, ये 2 गुणा में है, ये 2 के साथ में गुणा में है, तो ये कहाँ आएगा? बाघ में। यहाँ बच गया के, तो के बताओ कितना आ जाएगा? तो लास्ट में लिख देंगे अपने, अतः के का मान कितना आएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से? अगर दोबारा कोई ऐसा सवाल तुमको दिया जाए तो आप आराम से एक बार दोबारा रिपीट कर दें। देखो, सबसे पहला काम है अपने को सूत्र लगाना।
सूत्र से हमें ये पता लगेगा भी करना क्या है। जैसे सूत्र में क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, आधा, क्या करेंगे, आधा। तो दोनों को जोड़ो कितने हो गए, 24। देखो एक और तीन चार और एक और एक दो, 24 हो गए। 24 का आधा कितना हो गया, आधा की है। इसको बोलेंगे मध्यमान, क्या बोलते हैं, और मध्यमान को लिखेंगे एक्स से। वैसे किसी का नाम रुखसाना है तो आर लिख दिया, वैसे मध्यमान का निशान क्या है, एक्स, एक्स लिख देंगे, ठीक है। ऐसे 13 और 15 कितने हो गए, 28। आप देखो इतना सोचते क्यों, इसमें से एक निकाल के इसको दे दो, 14 14 28 हो गया, था कितना हो गया, 14। इनमें बताओ कितने कितने का अंतर है, इनमें 19 में 17 गए दो, 17 में 15 गए दो, दो दो का अंतर है। तो यहाँ भी कितने का अंतर आएगा, तो 12 और 2 14 और 2 16 और 2 यूँ चलते जाएंगे ऐसे, ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद देखो अब क्या करना है, F का गुणा करना है किससे, इसे बिंदु का मतलब है गुणा, बिंदु का मतलब क्या है, तो ये F की लाइन हो गई और ये इनका गुणा करना है। तो 12 × 7 = 84, अब ये मत करना था 84 कैसे आया, गुणा करना था होगा सबको, 14 × 6 = 84, 16 × 9 = 144, 13 × 18 234 होगा, k × 20 से किया 20 के, इसको चक्कर लगा लेंगे, क्यों, इसको जोड़ना नहीं है, अगर चक्कर नहीं लगाया तो ये नहीं, ये दो और दो आप जोड़ दोगे, इसको जोड़ना नहीं है, इसको अलग से जोड़ना है, क्या करना है, इसको अलग से, अच्छा 5 × 22 = 110 और 4 × 24 = 96, अच्छा फिर क्या करना है, एफ इंटू एक्स कर दिया हमने, आगे लिखा है सिग्मा, सिग्मा का मीनिंग जोड़, तो एफ एक्स का जोड़ करना है, इस गुणा करना, इनका जोड़ कितना हुआ, 752 और प्लस में 20 के। ये चीज़ कहाँ लिखूँगा, ऊपर या एफ एक्स की जगह, एफ एक्स का जोड़ लिख दिया, नीचे क्या लिखा है, सिग्मा एफ का मतलब बारंबारिता का जोड़, तो बारंबारिता का जोड़ कितना हुआ, 44 प्लस कितना के, ये 44 प्लस के। माध्य बताओ कितना दिया है सवाल में, प्रश्न में दिया हुआ है 18 लिख दिया माध्य की जगह, नीचे क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे, खाली जगह में एक लगा देंगे, इधर से गुणा कर लेंगे, 44 का 18 से गुणा कितना आया, 18 × 18 एक का गुणा इससे किया, सेम का सेम आ गया। यहाँ कर बताओ क्या कर दिया मैंने, सेपरेटिंग कर दी, अलग अलग कर दिया, के वाली संख्या के पास के वाली चली गई, ये छोटा आदमी है वो बड़ा आदमी है, तो छोटा आदमी जाएगा बड़े आदमी के पास, ठीक है, ऐसे ये छोटा आदमी है, ये कौन है, बड़ा है, तो बड़ा अपने घर पर ही है, जाए वहीं उतार दिया, इसको यहाँ ले आए, ठीक है, घटा दिया 40 आ गया, यहाँ कितना आया, 2 के, ये के आएगा, यहाँ रखना, यहाँ 20 के का मतलब के को 20 बार लिख लो दीवारों पर ऐसे से, फिर क्या करना, गिल्ला कपड़ा करना, 18 के काट देना, साफ कर देना, पीछे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, फिर 2 भाग में आ जाएगा, कितना बचेगा, 20, तो के का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये सवाल पेपर में आएगा, संख्या बदल सकती है, तरीका नहीं बदलेगा, कर दोगे ना, एक बार आप खुद करके देखना, खाली समझाने से नहीं होता, एक बार आपको करना पड़ेगा, एक बार तो आज कर लेना, एक बार 5-6 दिन के बाद फिर करना, 4-5 दिन के बाद आप रिवीजन किया करो, जो आपने चीज़ पढ़ रखी है ना उसका आप रिवीजन किया करो, क्योंकि भूलते सारे, मैं भी भूल जाता हूँ, मैथ तो नहीं भूलता क्योंकि मैथ तो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं भी भूल जाता हूँ, तो उसको मैं बार बार हर 5वें दिन रिवीजन करना चाहिए। चले आगे, अब आज करेंगे अपने माध्य का पांचवा सवाल, हाँ पांचवा का सवाल देते हैं, किसी के पास घड़ी है क्या, 4:26 14 मिनट बाकी हैं, ठीक है, तो मैं अभी किसी को करवा देता हूँ, अगर किसी को ये नोट करना जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, एक काम करेंगे कल से आपको इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट डाल देंगे ग्रुप में, स्क्रीनशॉट समझते हो ना, फोटो डाल देंगे, आपका ग्रुप बना हुआ है ना, कई बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है, वो अपने मोबाइल नंबर है ना मेरे को दे के जाओ, या एक काम करो,
एक काम करो, ये मोबाइल नंबर मेरे लिख लो आप, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना अपना नाम लिख कर, कह देना मुझे ग्रुप में ऐड करो सर आप, ये मेरा नंबर नोट करो आप। ये नंबर नोट कर लो, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे अपना नाम लिखकर, क्लास लिखकर और स्कूल लिखकर। मन जिनके हैं उनको नहीं करना, ये है 6350495230, ठीक है। हाँ मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, पहले मैसेज नंबर सेव करना, व्हाट्सएप पर करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, आपको उसमें वीडियो मिल जाएंगे यहाँ वाले, और ये तार बच गया था, और आपको इनकी फ़ोटो मिल जाएगी, यहाँ अगर नोट करना दे जाए तो वहाँ नोट कर लेना। क्या कह रहे हैं, अभी कुछ दिनों में राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी मोबाइल बांटेंगे, 100 नंबर लाएगा उसको मोबाइल यहाँ मिल जाएगा। अरे ग्रुप में डाल देंगे ना, हाँ। सवाल नंबर 5, सबको सवाल जो मैं समझाता हूँ समझ सबको आता होगा, अगर नहीं आए ना तो खड़े होकर पूछ लेना दोबारा, ठीक है। हाँ 5वां सवाल, तो क्या टूरिस्ट है क्या, तो घूमने आई इधर उधर, तो अच्छा टूरिस्ट घूमते हैं ऐसे एक जगह से दूसरी जगह। हाँ सवाल नंबर 5, वर्ग अंतराल और आगे दिया है बारंबारता, यानी कि एफ। 5वां सवाल है, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 58 से, हैं हाँ, और 62 से, पंद्रह 110, 135, 115 और 125। हाँ देखो अभी सवाल, तो सबसे पहले ये क्या हो रही, अभी गिरेगी ये, हाँ सर अभी अभी गिरेगी। हाँ देखो अभी, तो इस सवाल को सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि क्या यह सवाल पीछे के सवालों से मैच खाता है क्या, क्या अलग बात है इसमें, हाँ देखो पिछले सवाल में यूँ था 2 से 4, 4 से 6, यानी इस बात जहाँ पर ऐसे था, देखो जैसे 10 से 20, अब शुरुआत 20 से हुई ख़त्म 20 पर हुआ, वापस शुरुआत 20 से हो गई ख़त्म मान लो 30 पर हो गया, शुरुआत वापस 30 से हो गई फिर 40 पर, वापस शुरुआत 40 से ख़त्म कहाँ पर हो गया, तो उसमें ये संख्याएं सेम थी है ना। यहाँ पर देखो इसमें ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब पहले इनको सेम करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कि वर्ग अंतराल जो है ना वो सतत नहीं है, सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, लगातार कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ बताओ कितना बढ़ गया, यहाँ चेक करो यहाँ कितना बढ़ गया, और यहाँ भी, ऐसे सवालों में हमेशा एक बढ़ जाता है,
एक ही बढ़ेगा, दो कभी नहीं बढ़ेगा। यानी ये संख्या और ये संख्या होगी, इनमें एक का ही अंतर आएगा, या 19 तो या 20, या 25 तो या 26, एक ही बढ़ेगा। हमें क्या करना है, उस एक का आधा करना है। क्या करना है, एक का आधा करना है, आधे का मतलब दो का भाग। और दो का जगह भाग देंगे, दो का भाग तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पॉइंट लगा लूँगा, क्या लगा लूँगा, और यहाँ लगा लूँगा ज़ीरो। अब दो का भाग दो तो ये 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये 0.5 कैसे आया, एक में दो का भाग देने से। नहीं आया क्या समझ में, ये एक में दो का भाग देने से कितना आता है, 0.5। अब सुनो, एक बटा दो के दो, आधा के दो, 0.5 के दो, तीनों बातें एक ही है, आधा, एक बटा दो, 0.5, इन तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, समझ गए। आगे चलते हैं, तो ये 0.5 आ गया। अब 0.5 क्या करना है, इस लाइन में, इस लाइन में तो क्या करना है, माइनस, और इसमें क्या करना है, प्लस करना है। ये काम कब करना है, जब क्लासें लगातार नहीं हो, मतलब इनमें क्या आ जाए, जंप आ जाए, क्या आ जाए, जंप। कितने का जंप आ गया, एक का, तब ऐसा करना है हमें, एक का था 0.5, इस लाइन में तो माइनस करना है, इसमें क्या करना है। अब देखो, तो अब बढ़ाएंगे नई क्लास, क्या बढ़ाएंगे, नया नई वर्ग अंतराल, क्या बढ़ाएंगे, नया बना देंगे हम, ये पुराना क्लास हो गया, ये कोई काम नहीं आएगा हमारे, क्यों, क्योंकि ये लगातार है नहीं है, नया बनाएंगे वो लगातार होगा। हाँ, तो इसमें माइनस करना 0.5, भाई 50 में से आधा माइनस करना है, 49.5 हो गए, नहीं नहीं 50 में से आधा, इसको आधा ही तो बोलते हैं, इसको आधा बोलते हैं, इसको इसको एक ही बात आधा बोलते हैं, आधा माइनस को 50 में से 49.5, और 49.5 का मतलब हो गया 49.5, इसमें जोड़ना है 52.5, इसमें घटाना है साढ़े आधा 52.5, इसमें 55.5, इसमें घटा दो 55.5, इसमें 55.5, इसमें फिर घटाओ, और इसमें 61.5, इसमें घटा देंगे, इसमें। अब आप देखिए, देखो ये संख्याएं सेम हो गई, चेक करो इनको, हो गई ना सेम, ये सेम हो गई, तो हमारे पीछे वाली जो क्लास है नहीं, ये क्लास अब कोई काम नहीं आएगी, हमारा सवाल अब ये बन गया। अब कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे किया वैसे ही कर देंगे, अब तो सूत्र तो यही रहेगा, अब की बार माध्य दिया नहीं है, ठीक है। हाँ, तुम बताओ शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे, हाँ आप बताओ, उधर लास्ट कॉर्नर में, बट आप बताओ, हाँ आपसे पीछे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, बारंबारता से, बैठो आप, हाँ आप एकदम राइट, हाँ बताओ, क्या ठीक है, इसके पीछे बोलो, एक्स निकालेंगे, हाँ बैठो, तुम बताओ, ठीक कह रही है कि ये बेटा, ऐसे घबरा क्यों, मैं पैसे मांग रहा हूँ क्या, क्या करेंगे, हाँ आधा करेंगे, इसने पूरी बात बोली है, क्या करेंगे, इसमें आधा, किसका आधा करेंगे, हाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, आधा, इसे क्या बोलते हैं, बैठ जवाब, घबराया मत करो ना, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे अपने, तो जोड़ लो पहले, तो कितना होता है, 49.5 में ये जोड़ो 52.5, हंसिल एक
तो 12 ले कितना हो गया, ठीक है जी, ये हो गया 102.0, कितना हो गया। तो पॉइंट के बाद जीरो इसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो होता है कुछ मतलब, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, डाल सकते हो आप। अब इसका अदा करना है, तो ये 102 है, उसे अदा कर लो, कितना हो जाएगा, 100 का अदा 50 हो गया और 2 का अदा 1 हो गया, 51 हो गए। या ऐसे करो 2 से भाग दे दो, इसमें 2 5 10, 2 1 2 कितना आ गया। अब देखो, अब ये बताओ इनमें, बताओ कितने का अंतर है, बताओ इनमें 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 अंतर कितने का है, और यहाँ कितने का अंतर था, यहाँ अंतर था 2 का, 50 में 52 में 50 के 2 का अंतर था, नहीं वो अंतर ऐसे एक था, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कितने का अंतर था, और यहाँ अंतर कितने का है, 3 का है, कैसे बताओ। देखो इसमें से ये कटाओ, तो 0.5 में 0.5 गया 0, 52 में गए 49, कितना आएगा 3, तो इसमें 3 का अंतर है, तो यहाँ भी कितने का अंतर आएगा, तो ऐसा करते हैं हम जोड़ के आधा नहीं करते हैं, क्योंकि 2 काम करने पड़ते हैं, पहले तो जोड़ो इनको फिर इनका आधा करो, ऐसा करते हैं हम सीधा कर लेते हैं, कैसे, इसमें आप 3 जोड़ लो, 51 और 3 54 और 3 57 3 और 60 और 3। शुरुआत में तो एक बार करना ही पड़ेगा आपको, शुरुआत में जोड़ के आधा करना पड़ेगा, बाद में नहीं करना पड़ना, क्यों, यहाँ अंतर 3 का है, इनमें कैसे मालूम हो 3 का अंतर है, इसमें से ये घटा लो आप, कितना आएगा 3, वो 3 इसमें जोड़ते जाओ, आ गया समझ में। अब क्या करना है बताओ, f का x से गुणा, तो यहाँ लिखेंगे f गुणा, ये रहा f और ये रहा x, मतलब इनका गुणा करना है, 15 गुणा 51, 15 गुणा 51 आप कर लेना आगे, 110 गुणा 54, 110 गुणा 54, ध्यान से करना है, अभी किसका गुणा करना है, f की लाइन का x की लाइन से, और 135 गुणा कितना है 57, आगे 115 गुणा 60 और 25 गुणा 63, नानी याद कर रही है क्या, एक कहावत है ना पड़े राजस्थान में, केज की याद किया तो नहीं, नानी याद करती, कोई तो याद नहीं कर, नानी याद करती, हाँ क्या, तो इनका गुणा कर लोगे, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ ये काम, कल मैं